तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो रबड़ी हमारी है, बहुत ही डिलीशियस सी बनी है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपको मैंगो रबड़ी, बहुत ही डिलीशियस सी, माउथ वाटरिंग सी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका सीजन जाने वाला है, तो उससे पहले आप इसको जरूर से एक बार बना के एंजॉय करें। तो बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है ये, और आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका डेकोरेशन भी हुआ है, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, और टेस्ट के तो क्या कहने। तो फिर सीजन ना निकल जाए उससे पहले एक बार जरूर से आप ट्राई कर लें। तो फिर फ्रेंड्स इसकी रेसिपी शुरू कर लेते हैं, तो प्लीज फुल वॉच करिएगा। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले ली है, और इसे गैस पर रख दिया मैंने। अब इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे, और चलाते रहना है बिल्कुल। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है, पे दूध हमारी गाढ़ी हो रही है थोड़ी थोड़ी। इसे अभी हमें और पकाना है, बिल्कुल इसकी रबड़ी टाइप की हो जाएगी। तो इसे चलाते हुए हम इसे साइड से छुड़ाते हुए पकाते जाएंगे। यहाँ पे जो दूध रिड्यूस हो रहा है उसमें ये आपको केसर के धागे हैं, 7-8 धागे हैं, ये डाल रही हूँ। ऑप्शनल है ये पूरी तरह से, आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत हद तक ये पूरी गाढ़ी हो गई है हमारी रबड़ी यहाँ पे। अब इसमें मैं 1 इलायची कूट के डालने वाली हूँ। 1 इलायची मैंने कूट ली है, इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ मैं शक्कर ऐड करूंगी, तो ये 1/2 कटोरी है, ज्यादा हमें मीठा नहीं रखना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर लूँगी, ये जब ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक आम को ये छील के ले लिया है। अब इसका मैं यहाँ पे इस तरह से पल्प निकालूंगी। तो इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे, बल्कि इसी तरह से इसे हम करेंगे, तो इसमें से पल्प हमारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से इसका पल्प निकालेंगे, तो बहुत ही स्मूथ पल्प होगा इसका। और मिक्सर का झंझट ही नहीं है। इस तरह से अच्छे से हम इसका पल्प निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ हमारा पल्प निकला है। इस तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे। अब ये रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने जो ये आम का पल्प निकाल लिया था, ये इसमें ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। अब इसे मैं इसमें सर्व कर लूंगी। एक मिट्टी का बर्तन हमने ले लिया है यहाँ पे, इसमें इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने वाले हैं, तो आप कभी भी इसे फ्रिज में थोड़ी देर रख के ही सर्व करें। चिल्ड सर्व करना है कभी भी, जिससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पिस्ते की कतरन है मेरे पास, इससे मैं इसकी गार्निशिंग करने वाली हूँ। तो येल्लो पे ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है। जैसे देखिए मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी, और आप चाहे तो अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। मैंने ले ली है ये मैंगो स्लाइस, जिससे इसको डेकोरेट करूंगी।
तो यहाँ पे मैंने ये दो स्लाइस ले लिए, इसे डेकोरेट कर दिया इसे। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इसे घर पे बनाना, और होममेड की तो बात ही अलग है जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। तो अब बाहर से हम क्यों लाएंगे जब घर पे ही आराम से हम इतना अच्छा डिलीशियस सा मैंगो रबड़ी, मैंगो बासुंदी बोलिए, मैंगो रबड़ी बोलिए, आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैंगो रबड़ी बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज, टेस्टी रेसिपीज आप लोग के लिए लाते रहूं। आपका सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमें आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स और एक रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस मैंगो रबड़ी रेसिपी।